हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 3 पहल हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 46, 47, 48, 49 और 50 हल करेंगे। कार्य पत्रक 46 में दक्षता रहेगी, गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लाल लाल से गोल टमाटर, खाकर हो गए गाल टमाटर, खून बढ़ाता लाल टमाटर, फुर्ती लाता लाल टमाटर। ऊपर दी गई कविता में टमाटर शब्द कितनी बार आया, देखो 1, 2, 3, 4 बार। 4 बार आया। कविता में आए हुए शब्द फुर्ती का अर्थ है जल्दिया, शीघ्रता। दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर खाली स्थान को भरिए। पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते। हम पेड़ों को थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा पानी देते हैं, इसके बदले में वे हमें जीवन के साथ साथ और भी बहुत कुछ देते हैं। पेड़ों से हमें साफ और शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ हमें भोजन देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ उगाएं और उनकी रक्षा करें। पहला, पेड़ धरती पर हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ों की रक्षा करें। अगला कार्य पत्रक देखते हैं 47 का। 47 के कार्य पत्रक में दक्षता रहेगी अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। कविता को आगे बढ़ाइए। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, कितनी लंबी कितनी दूर, निकली आगे सबसे दूर, एक पतंग से पेच लड़ाया, टाटा बाय बाय उसे कराया। कविता को अपनी कल्पना से लिखिए। मक्खी ने छींका आंछी, मच्छर ने छींका माछी, हाथी ने छींका हाँछी, चूहे ने छींका छींका चाँची, चींटी ने छींका चाँची, तितली ने छींका तांची, बंदर ने छींका बांछी। ये था कार्य पत्रक 47। अगला कार्य पत्रक 48 देखते हैं। दक्षता अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। नीचे दी गई कविता को पूरी कीजिए। तितली के चित्र में रंगे भरिए। प्यारी प्यारी तितली बोल, पंख कहाँ से लाई अनमोल, सुंदर तेरे पंख निराले, हरे गुलाबी नीले पीले, फूलों पर मंडराती रहती, दिन भर तुम इठलाती रहती। प्यारी प्यारी तितली बोल, आंखें तेरी गोल मटोल, आंखें तेरी गोल मटोल। ये थी कविता। इसमें जो तितली है इसमें क्या करना है, कलर करना है। तो इसमें आप सुंदर सा कलर करेंगे। ये देखो, सुंदर सा अच्छा सा कलर करेंगे। नीचे अगला प्रश्न है 2 का। यदि आपके भी तितली जैसे पंख होते तो आप क्या क्या करते। मैं भी उड़ती और फूलों पर मंडराती, बाग बगीचों में घूमती। जो जो भी आपकी मन की इच्छा है वो आप यहाँ लिखेंगे। नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह पीपल के पत्ते खा रहा था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों के बहुत से छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे यहाँ मधुमक्खी के छाते हैं, ये तुम्हें काट देंगी। हाथी बोला, मैं मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तो वे मुझे क्यों काटेंगी। भालू बोला, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करेगा। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही अगला करेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला कार्य पत्रक देखते हैं 49 का। दक्षता रहेगी अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। दादा दादा कहते हम, मौज मजे से रहते हम, खाएं पिए खेले हम, दादा को खुश करते हम। शाम ढले तब रात है आती, सुने कहानी खूब है भाती, दादी मेरी है बहुत होशियार, कहे कहानी दिन में चार। दूसरा है, नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। बादल राजा आओ ना, छम छम जल बरसाओ ना, पप्पू गुड़िया आओ ना, कागज़ की नाव बनाओ ना, पानी में तैराओ ना, लंबी सैर कराओ ना, इतना ना तड़पाओ ना, जल्दी नाव बनाओ ना। ये था कार्य पत्रक 49। कार्य पत्रक 50 देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
सब्सक्राइब जरूर करें। कार्यपत्रक 50 में दक्षता अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे, चंदा मामा सबसे न्यारे, आ जाओ ना पास हमारे, देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी प्यारी प्यारी, रोज सवेरे छिप जाते हैं, रोज रात को आ जाते हैं, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्नू को दे प्याली में। नीचे दीदी कहानी को आगे बढ़ाइए। बिनू रोज अपनी नानी से कहानी सुनकर सोती थी। एक दिन नानी ने बिनू को परियों की कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते बिनू सो गई और उसने सपने में देखा कि एक परी उसके पास आई और बोली, चलो मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराती हूँ। बिनू परी के साथ आकाश में उड़कर सुंदर सुंदर नज़ारे देखने लगी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे बादल, नदियाँ, पेड़ पौधे, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ये था कार्यपत्रक 50। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।